दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आरआरआर फिल्म से जुड़ी हुई है। दोस्तों इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म है जिसका बजट 350 करोड़ प्लस है। इस फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को लेकर बातें सामने आ रही है। कल देर शाम से बातें सामने आ रही वो ये है कि एक रिकॉर्ड डील हुई है और उस रिकॉर्ड डील के हिसाब से सैटेलाइट यानी टेलीविजन पर जब भी फिल्म आएगी आरआरआर और डिजिटल यानी कि ओटीटी पर जब भी फिल्म आएगी, इन दोनों के राइट्स बिक चुके हैं और इसके दाम हैं 260 करोड़। यस, द राइट्स ऑफ सैटेलाइट एंड डिजिटल हैज बीन सोल्ड फॉर ए वूपिंग 260 करोड़ प्राइस एंड दिस इज द हाईएस्ट प्राइस फॉर एनी फिल्म एवर इन इंडिया। मतलब इंडिया की कोई भी फिल्म होगा सबसे महंगा दाम या सबसे महंगी बोली है ये 260 करोड़ फॉर डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स फॉर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ आरआरआर फिल्म। अब यहां पर बात ये सामने आ रही है कि मेकर्स फिर भी खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि इस फिल्म के लिए और पैसे मिलने चाहिए थे। ये सोर्सेस के थ्रू बातें हैं, इसको ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं ये कहा जा रहा है कि डिजिटली यानी कि ओटीटी पर किसी इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसके राइट्स खरीदे हैं डिजिटली। तो कुल मिलाकर आपको ये बता दूं कि डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और थिएटरिकल राइट्स, ये तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। थिएटरिकल राइट्स जब फिल्में रिलीज होती है थिएटर्स में उसके लिए होता है और ये सिर्फ डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स है। और इसमें अगर थिएटरिकल राइट्स भी मिला लिया जाए तो मुझे लगता है 600 से 700 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएंगे फिल्म रिलीज होने से पहले। एंड इस बात की बात बाद में, लेकिन फिलहाल यही है कि यस, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट दिस फिल्म हैज व्हाट इट गॉट्स इज 260 करोड़ प्लस रुपीज फॉर डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स एंड वो भी किसी इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म ने खरीदा है और चैनल तो इंडिया का ही होगा विदाउट अ डाउट। सो आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताइएगा और क्या लगता है आपको जिस तरह से ये फिल्म के राइट्स बिके हैं वैसे ही क्या केजीएफ चैप्टर 2 वो भी एक बहुत बड़ी फिल्म है उसके भी राइट्स क्या इस तरह बिकेंगे या इससे भी महंगे बिकेंगे या इससे कम है, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।